अगला क्वेश्चन है, ए बी सी कोई एक फील्ड को लीप करने में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलके फील्ड को मतलब लीप करने में 15 × 3 = 4 मीन 60 × 180 / 4 दिन लगता है, इतना डेज लगता है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉरी ये 63 होगा, ये मल्टीप्लाई होता है फिर ऐड होता है ना, तो 60 + 63/4 हुआ। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना होगा, तो उलट देते हैं, 1/63/4 करते हैं ना, तो इसे हम 4/63 कह सकते हैं, तो ये ए बी सी का। ठीक है, फिर बी प्लस सी प्लस डी सेम मतलब फील्ड को 14 दिन में करता है, तो बी प्लस सी प्लस डी का एक दिन का काम कितना होगा, 1 day work कितना होगा, 1/14। ठीक है, फिर सी डी ए 18 दिन में, तो सी डी ए 18 दिन में करता है, तो सी डी ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/18। फिर डी ए बी 21 दिन में, डी ए बी 21 दिन में, तो डी ए प्लस बी 21 दिन में कर रहा है, तो 1/21 हो गया। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, तो सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए, सॉरी सी प्लस डी, सबसे पहले का एक दिन का काम ये मैं निकाल रही हूँ, ये निकालने के लिए सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, फिर क्या करेंगे, ये सब 1 day work है, फिर बी प्लस सी प्लस डी, फिर सी प्लस डी प्लस ए। ठीक है, फिर प्लस डी प्लस ए प्लस बी। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, हमने निकाला था 4/63, फिर बी प्लस सी प्लस डी का कितना होगा, 1/14, फिर सी प्लस डी प्लस ए का कितना होगा, और एक चीज और है, इससे पहले ये चीज हटा देते हैं, इधर साइड राइट हैंड साइड 1, 2, 2 और 3, 3 A दिख रहा है, 3 B दिख रहा है, ये सब 3 3 दिख रहा है, तो ये भी लिख देना, क्योंकि फिर 3 उधर आएगा ना, फिर C प्लस D प्लस A कितना, 1/18, फिर ये कितना है, 1/24। अब LCM लेते हैं, 63 इसका और इसका LCM जब आप लोगे तो कितना आएगा, 126 आना चाहिए, हमें 126 मैंने निकाला है, तो ये आएगा 8, फिर ये हो जाएगा 9 फिर 7 फिर 6 तो आएगा 30/126। अब इस 3 को इधर लेके आना होगा, तो 30/126 इंटू 3, तो ये 3 करेगा 90/126, तो 90/126 इसे मल्टीप्लाई करते कैंसिल, और 30, ये 10 होगा ना, 10/126 आएगा, 10/126, तो 5 और ये आएगा 63, तो 5/63 निकला, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एक दिन का काम निकला 5/63। ए प्लस बी प्लस सी का पूरा काम निकालने के लिए 1/5/63 कर देंगे, तो आ जाएगा 63/5, तो आ जाएगा 12/3/5 दिन। ठीक है, तो बस यही है बेसिकली हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी का, सी जो है वो 15 × 3/4 days में करता है, मीन्स 63/4 days में ए प्लस बी प्लस सी जो है वो एक दिन में 1/63/4, तो 4/63 हुआ, बी प्लस सी प्लस डी 14 दिन में, तो एक दिन में उनका काम 1/24 हुआ, सी प्लस डी प्लस ए जो है वो 18 दिन में करता है, और उसका उन लोग का एक दिन का काम जो है वो 1/18 हुआ। ठीक है, फिर डी प्लस ए बी जो है 21 किया, उसका एक दिन का काम 1/24। ठीक है,
फिर हमने क्या किया कि तीन सबको ऐड कर दिया, तो ये थ्री है सारे, थ्री ए थ्री बी थ्री सी था, तो थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस सी सबको ऐड किया, वैल्यू 5/21 आई, 3 को फिर नीचे आए तो 5/63 आ गया। तो ए बी सी टुगेदर कैन रीड द फील्ड इन 1/5/63 विच इज 63/5, तो 12 × 3/5 डेज में काम अपना ख़त्म करता है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट।